ट्रेडर 17,800 के कॉल में यहाँ पर मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है और मैंने यहाँ पर एक कॉल बाय कर लिया है। तो यहाँ पर आप पोजीशन भी देख सकते हैं, हमने एक ही लॉट यहाँ पर बाय किया है। सो देखते हैं आगे क्या होता है इस ट्रेड में। सबसे पहले यहाँ पर मैं चार्ट लगा लेता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक ऑप्शन का सेपरेट चार्ट लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको पोजीशन दिखाऊंगा और आगे हम जानेंगे कि हमने ट्रेड भी क्यों लिया है। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर चार्ट लगा लेता हूँ। यहाँ पर साइड बाय साइड आप पोजीशन भी देख रहे होंगे। यहाँ पर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारी जो बाइंग है इस ट्रेड में वो 14.65 पर हुई है और इस ट्रेड में जो हमारा स्टॉप लॉस है वो नियर अबाउट 6 to 6.5 के आसपास बैठ रहा है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर स्टॉप लॉस देंगे। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हम यहाँ पर नहीं देंगे। यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हम 35.50 का देंगे। सो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस भी लगा देता हूँ, 35.50 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मैंने लगा लिया है। सो इस ट्रेड में हमारा जो लॉस है वो लगभग 250 to 300 रुपीज़ के आसपास होगा। उससे ज़्यादा लॉस हम इस ट्रेड में नहीं देंगे। सो देखते हैं मैंने ये ट्रेड क्यों लिया है। सो आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, यहाँ पर निफ्टी ने एक साइडवेज पैटर्न यहाँ पर फॉर्म किया है। बहुत साइडवेज यहाँ पर निफ्टी हो गया है। 1 hour to 1.20-25 minutes से निफ्टी यहाँ पर सिर्फ साइडवेज फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर ना ऊपर की तरफ अच्छे से ब्रेकआउट दिया है और ना नीचे की तरफ। यहाँ पर अभी हमने जो ट्रेड लिया है वो ऊपर की तरफ निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया है उसी के ऊपर हमने लिया है, और निफ्टी ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद अगेन निफ्टी एक बार नीचे की उस रेजिस्टेंस लेवल के पास निफ्टी ने यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, तो उसी रीटेस्ट पर हमने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया है। सो अगर निफ्टी ने इस सपोर्ट लेवल को अगर सस्टेन किया तो ऊपर की तरफ हमें मूव देखने को मिलेगा, और अगर निफ्टी उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट नहीं कर पाई तो हमें नीचे की तरफ एक क्विकली डाउनफॉल मिल सकता है और उसमें हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पर जा सकता है। तो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, लेकिन मैंने ट्रेड ले लिया है, तो देखते आगे क्या होता है। सो आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, यहाँ पर निफ्टी ने ऊपर की तरफ, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पर 1 time, 2 time, 3 time यहाँ पर निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। 4th time और 5th time यहाँ पर निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को हिट करने की कोशिश की, और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 times निफ्टी ने यहाँ पर उस सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश की। एक बार ब्रेक भी किया लेकिन वहाँ पर फिर से अगेन अपमूव दिखाया। सो यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो शायद जा सकता है, क्योंकि बहुत क्विकली निफ्टी यहाँ पर नीचे आया है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस ट्रेड में अगर हमारा लॉस भी हो जाता है, स्टॉप लॉस आई थिंक हमारा यहाँ पर हिट हो चुका है, 257 का स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर बुक किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर एक क्विक स्कैल्प की तरह यहाँ पर हमारा ये ट्रेड हुआ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ट्रेडर्स वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही स्मॉल स्मॉल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा।